गोबर से लिप रही है आंगन, इससे शुद्ध होता है गोबर से आंगन लिपना, घर लिपना। घर भी लेप लगा ली है, देखिए कितना अच्छे से। हम लोग का मिट्टी का है ना घर, मतलब नीचे, इसीलिए हम लोग गोबर से लेप लगाते हैं, नहीं तो फिर पोछा लगाते हैं। क्या बाबू, बाबू भी देख रहा है। बोलो जय श्री राम। बाबू बोलो, सबको बोलने जय श्री राम। सबको बोलिए जय श्री राम। हाँ हाँ हाँ, बोल दे बाबू, भगवान का नाम लीजिए, है ना। तो नहा धोआ करके बस अगरबत्ती दिखाएंगे, पूजा तो करने नहीं बनेगा। नीचे वाला घर में माँ और भाभी साफ सफाई कर रही थी, और हम लोग को यहाँ पे मिला हुआ है साफ सफाई करने के लिए, दोनों बहन को ऊपर घर में। और मैं खाना भी बना ली हूँ नानी के लिए, नानी तो फास्टिंग करेगी नहीं, हम लोग किए हुए हैं फास्टिंग, आज उपवास किए हैं, बस पूजा नहीं करेंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, है ना बाबू। अरे क्या क्या चाहिए, देखिए इसका हाथ में कुछ ना कुछ रहना चाहिए मुंह में लेने के लिए, खाने के लिए। मेरा अंगुली चुभ रहा, नहीं अंगुली नहीं चुभते बाबू, गंदी बात गंदी बात। दोस्तों मैं स्नान कर ली हूँ, और अब मैं अगरबत्ती दिखाऊंगी और जल ढालूंगी, और देखिए उधर कपड़ा भी पसार ली हूँ। दोस्तों मैं अगरबत्ती दिखा ली हूँ, और इधर देखिए हमारे घर इतने सारे बच्चे आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये लोग पढ़ रहे हैं अभी, सभी बच्चे लोग चांदनी बुक में स्टिकर साटेगी ना, और एक लोग कहाँ है अभी पढ़ रही थी, बुक रख दी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुनीता रंजन ब्लॉग में, और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह का 8 बज रहा है, तो आप सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम। और आज रामनवमी है, तो आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी रामनवमी। और हम लोग का अभी तैयारी चल रहा है, पूजा पाठ तो करने के लिए नहीं बनेगा हम लोग का, बगल के ही एक दादाजी डेथ किए हुए हैं, इसलिए 31 दिन या फिर 51 दिन होता है, उसके बाद फिर बनता है पूजा करने के लिए, तो अभी हुआ नहीं है, बस अभी कुछ ही दिन हुआ है डेथ किया हुआ, इसलिए पूजा पाठ करने के लिए नहीं बनेगा हम लोग का। तो बाकी हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं घर में, इधर देखिए नीतू लगी हुई है आंगन लिप रही है। बालू यहीं पे गिरा के चला गया है रात में, देखिए, और यहीं से हम लोग को ले जाना है, तो भाभी गमला में भर दिए, तीन गमला में, एक दो और एक इधर तीन, और चांदनी को मोबाइल चाहिए देखने के लिए, सो रही है। भाभी लेके गई देखिए, और यहाँ पे और दो गमला बचा हुआ है, तो दोनों बहन लेके जाएंगे। देखिए चांदनी की सहेली भी आ गई, शोभा, संध्या, शोभा नहीं, अरे दे रही हूँ ना मोबाइल, क्या करेगी, हाँ क्या करेगी। के इतने सारे बच्चे आ गए थे अभी, मोबाइल देख रहे थे सभी लोग, जैसे मैं मोबाइल ले ली वैसे इन लोग भागने लगा, और एक तो बैठी हुई है, और वहाँ पे चल गई चांदनी खेलने के लिए। चाची भी आ गई स्नान करके नदी से, जा रही है घर। आए लोग हाथ। दोस्तों अभी शाम हो चुका है, और अभी हम लोग बालू चढ़ाएंगे छत के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए दो गमला ले लिए, दोनों ननंद भौजाई उठाएंगे मिल करके, और नीतू अभी लेटी हुई है, उसको भी उठा रहे तो नहीं आ रही है वहाँ पे, उधर इस बार गिरा हुआ है, रात में गिरा है ना, तो वहीं पे गिरा के चला गया जल्दी से, हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, उतना दूर में उधर रख दिया बालू। ये गिरे
गिरेगी चांदनी। यहाँ पे रखता तो अच्छा रहता, सुविधा होता, बट रोड के उस पार गिरा के चला गया। रात में 3 बजे गिरा दिया था। दोस्तों वीडियो को मैं नेक्स्ट डे स्टार्ट कर रही हूँ, और अभी हम लोग दोनों नरंद भोजा जा रहे हैं नदी स्नान करने के लिए। आज बहुत ही ज़्यादा तेज धूप है, और यहाँ पे पेड़ के सामने आने से बहुत ही अच्छा हवा बहता है। अब तो अच्छा लगेगा। हाँ, अब बहुत कई आके यहाँ पे बैठेंगी औरत लोग, और लेदरा सीएंगे ना। हाँ, लेदरा सीएंगे। हम लोग लेदरा बोलते हैं गांव तरफ, जो उसको टिपते हैं, खटिया में बिछाते हैं, सिलाई करते हैं। अच्छा रहता है ना। हाँ, बच्चा लोग को उसी में सुलाते हैं ताकि खराब ना हो। अगर गद्दा में सुलाने से तो खराब हो जाता है, टॉयलेट कर देता है उसे। हाँ, और गांव में तो सब कहीं लेदरा में ही सोते हैं, खटिया में बिछा के। काफी तेज धूप है, खींचने का इसलिए जा रहे हैं हम लोग नदी। हाँ, नदी में जल्दी होगा। हाँ, अच्छे से साफ होगा नदी में। दोस्तों हम लोग नदी पहुंचने वाले हैं, और इधर देखिए कितना सारा झुड़ है चारों ओर। हाँ, और इधर ये साइड में हाथी था झाड़ी में। मैं तो नहीं थी, भाभी लोग आई थी देखने के लिए। मेला जैसा पूरा भीड़ लगा हुआ था, और लोग अभी भी स्नान कर ही रहे हैं। हाँ, यहाँ पे पूरा फिसलते, मजा आता है। नीतू लोग इतना बड़ा बड़ा बच्चा। और वो देखिए वो साइड में चांदनी का नानी घर है। हाँ, वही साइड नहाने आते। हाँ, भाभी लोग आती थी पहले नहाने के लिए वो साइड में। इधर के लोग वहाँ भी जाते हैं नहाने, और यहाँ भी नहाते। हाँ, इधर के लोग उस साइड भी जाते हैं, और इधर भी स्नान करते हैं। हम लोग आ गए नदी, और अब कपड़ा बोथेंगे। ये देखिए यहाँ पे रख दिए कपड़ा, और कड़ा है वो सबको धो रहे हैं। बेल नहीं, कड़ा। और अब दोनों नरन भोजा मिल करके अब बोथेंगे कपड़ा को, और धोएंगे जल्दी से, और सूखने के लिए दे देंगे। बहुत ही तेज धूप है तो सूख जाएगा, तो ठीक है जल्दी से धोते हैं हम लोग कपड़ा। अब सारा कपड़ा बोथ करके यहाँ पे रखे हैं, और अब खींचना बाकी है, और थोड़ा सा बाकी है गोथने के लिए। सर डालने से जल्दी होता है। हाँ, सर डालने से जल्दी हो जाता है, तो जल्दी से अब हम लोग दोनों ननंद भोजा मिल करके खींचेंगे। देखिए लोग आए हुए हैं इतने सारे नहाने, इन लोग का स्नान हो गया, ये लोग का स्नान किया हुआ हो गया है, और भाभी भी जा रही है स्नान करके, पहले ही आई हुई थी। तो दोस्तों हम लोग का कपड़ा धोया हुआ हो गया है पूरा, और इधर पसार दिए हैं धूप में धो करके, और बाबू को मम्मी ला रखी थी, बहुत ही ज़्यादा बाबू रो रहा था इसलिए, और माँ चली गई, कुछ काम था माँ का घर में इसलिए। तो भाभी नहा के बाबू को भी रखी है, तो ठीक है अभी मैं भी स्नान कर लेती हूँ जल्दी से, उसके बाद फिर कपड़ा समेटेंगे और फिर घर चलेंगे। दोस्तों मैं स्नान कर ली हूँ, हो गया मेरा स्नान किया हुआ, और अब सारा कपड़ा समेटेंगे और घर चलेंगे उठा करके। और उधर देखिए भाभी बैठी हुई है, बाबू को खिला रही है। तो ठीक है जल्दी से सारा कपड़ा हम लोग समेटते हैं, और फिर घर चलेंगे लेकर के। सो दोस्तों नदी से स्नान करके आ गए, और भाभी अभी कपड़ा पसार रही है छत के ऊपर, बड़ी माँ का छत के ऊपर, और नानी इधर देखे किचन रूम में क्या कर रही है। क्या कर रहा है नानी? पानी पिए हैं। ओ, नानी अभी पानी पी रही है, और मुझे भी भूख लग गया पूरा जोरों से, तो मैं भी खाना खाऊंगी अब। मेरा कपड़ा सूख गया था, तो मैं यहाँ ला के रख दी खटिया में। तो ठीक है मैं खाना खा लेती हूँ जल्दी से।